अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रॉयल सैंडविच। इसके इस रेसिपी के 3 स्टेप्स है। पहले चिकन मैरिनेट होंगी, सेकंड उसका बैटर बनाएंगे और थर्ड उसको फ्राई करेंगे। इस सैंडविच को आप बच्चों के पार्टीज़ में भी बना सकते हैं, उनके टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और लंच में भी खा सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं हम चिकन रॉयल सैंडविच बनाना। आधा किलो चिकन ब्रेस्ट लेंगे और उसे इस तरह स्ट्राइप में काटेंगे। उसमें हम एक लेमन जूस, एक टेबलस्पून कूटी काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक, उसे अच्छे से मिक्स करके उसे मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए। चिकन का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 एग और 1/4 कप मिल्क। ये थोड़े से पानी में हम उसका बैटर बनाएंगे। अभी हमें इन सब चीज़ों को फैमिले में शामिल करना है, मैदा, कॉर्नफ्लावर, ऑयल, एग, वाइट पेपर, बेकिंग पाउडर, मिल्क और थोड़ा सा पानी। इस तरह अच्छे से बैटर बनाना है। इस तरह इसका बैटर बनाएं। अब हम इस मैरिनेट चिकन को इस बैटर में डीप करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल करके उसे गरम किया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, ये मैरिनेट चिकन उठाएंगे और इसमें अच्छे से डीप करके उसे डीप फ्राई करेंगे। इस तरह मैंने सारे चिकन फ्राई करके निकाली हूँ। इस तरह हम सारे गैस का चूल्हा ऑफ करेंगे। इस तरह सारे चिकन फ्राई करके निकाली हुआ, अब हम इसे असेंबल करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये आधा कप मैंने मेयोनीज लिया हुआ है और उसमें लेटस लीव शामिल करें और उसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जब अच्छे से मिक्स हो तब मैंने हॉट बंस लिया हुआ है, हॉट बन लिया हुआ है इस तरह, उसे 1 या 2 स्लाइस काट कर उसे बटर लगा के उसे तवे पे मैंने अच्छे से भून लिया है इस तरह। अब हम चिकन को इसमें असेंबल करेंगे। इस तरह हम ये मेयोनीज और इसमें हम ये चिकन रखेंगे फ्राई की हुई। इसमें कुकुम्बर और इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह हम दूसरा बनाएंगे। पार्सले और अगर आपको चाहिए तो ये कैप्सिकम है, उसे मैंने थोड़ा फ्राई कर ली हूँ। ग्रीन और रेड कैप्सिकम है, उसे थोड़ा फ्राई करके वो उस पर असेंबल करेंगे। पूरे सैंडविच हम बनाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तैयार है हमारा रॉयल चिकन सैंडविच। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।